सुप्रभात, सुप्रभात सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। आज हमारे सामने श्रीमान नरेंद्र जी रहेंगे, बाकी साधक साधिकाएं भी जुड़ चुके हैं। आज हमारी 364th क्लास है, परसों हम 1 ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे, 1 साल हो जाएगा आप सबके सहयोग से। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर ताने। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें, मुस्कुराते हुए करते जाएं। प्रभाव को आने दें, कुछ पल रुकें, जब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचें 2 सेकंड 3 सेकंड रुकें, जब सामने की ओर ताने पुनः रुकें। प्रयास पूर्वक घुटनों को दबा के रखें, करें जी करें, बहुत बढ़िया। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। घुटने लगातार दबा के रखें, करते जाइए मुस्कुराकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। करिए जी करिए। अब दोनों पांव को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। करिए जी करिए, सभी करेंगे और प्रयास करेंगे घुटने भी ना उठें। बहुत बढ़िया जी, सभी करिए सभी करिए। नीता जी भी जुड़ गई हैं, अनीता जी हैं, करते जाइए करते जाइए। पीछे रवि जी, ज्योतिका जी और इधर हमारे कितने सारे साधक भी जुड़ चुके हैं और चहक भी साथ में। दोनों पांव को मिलाएंगे, एक बार दायां पांव दाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ और एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ। प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी करेंगे मुस्कुराकर करेंगे, कोशिश सभी करेंगे एड़ी शरीर को लगे ही लगे। बहुत बढ़िया, दोनों पांव को इकट्ठा लगाएंगे, दोनों पांव की एड़ियां एक साथ आसन से अपने शरीर से लगाइए। बहुत बढ़िया, देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें और चक्की चलाएंगे, आगे से आगे झुकें, पीछे से पीछे। पुनः ध्यान ये रहे, घुटने दबे रहें, पंजे तने रहें, घेरा बड़े से बड़ा बनाएंगे, प्रयास जरूर करेंगे। पांव को मिलाकर करेंगे जी, पंजों को तान कर करेंगे, एड़ी मिलाकर करेंगे, शब्दों पर ध्यान। जब आगे झुके पेट का संकोचन करें। बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास। अब इसी प्रकार से रिवर्स करेंगे, बहुत बढ़िया, करते जाइए खुश होकर करते जाइए। कोहनी को बगैर मोड़े करेंगे, पंजों अपनी कलाई को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को निकट लेकर आए, पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ गर्दन सीधी करके पूरी मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे।
कमर को, गर्दन को जितना सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा। आँखें भी बंद कर लें और देखिए थाई पर आते प्रभाव को। थाई की मांसपेशियां बहुत ही बढ़िया से स्वस्थ हो रही हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता, पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। जो पद्मासन ज़्यादा देर नहीं लगा पाते, उनका ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। करेंगे सभी कोशिश, करें घुटने आपके आसन के निकट पहुँचे। करिए 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 करिए, मुस्कुराकर करिए, गर्दन को कमर को सीधा रखकर करिए। अब इसी अवस्था में थोड़ा सा एड़ियों को आगे करें, कमर से धीरे धीरे आगे झुके और अपनी ठुड्डी को अथवा माथे को अपने पंजे के निकट लगाएं, दोनों कोहनिया भी आसन को छू जाए। वेरी गुड, सामान्य श्वास में रुकें यहाँ पर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। मोना जी बहुत बढ़िया, देखिए कितने बढ़िया से माथा स्पर्श कर रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से पांव को खोल दें और थोड़ा सा विश्राम ले लें। बहुत ही प्यारा मौसम है और सुबह सवेरे हम सामूहिक साधना कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ ऑनलाइन भी 25 के करीब साधक साधिकाएं जुड़ चुके हैं। चलिए जी, पद्मासन, दोनों पांव मिलाएंगे। पहले दाएं पांव को मोड़कर एड़ी को नाभि के निकट रखेंगे, फिर बाएं पांव को मोड़कर नाभि के निकट रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः कमर गर्दन सीधी, कमर को सीधा करें, आंखें बंद करें। ध्यान आपका आते जाते श्वासों पर। सभी हम रेगुलर साधक हैं, कोशिश तो पूरी क्लास में आंखें बंद करने की होनी चाहिए, लेकिन जब विश्राम करें, ध्यान करें, ओम की ध्वनि करें, तब तो आंखें अवश्य अवश्य बंद करें जी। मन मन मुस्कान सभी के चेहरे पर। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे भाव से एक दूसरे के साथ आवाज से आवाज मिलाकर करेंगे। आइए गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव
हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। बैठे बैठे हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को कंधों पर रखें, दोनों कोहनियों को एक लाइन में करें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर कमर को लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे जी। कोशिश सभी करेंगे कि आपकी दाएं हाथ की कोहनी आसन को छू जाए। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए प्रज्ञा बेटी का कितना बढ़िया से, कितनी सहजता से ऊपर वाली कोहनी को आगे नहीं झुकने दें जी, पीछे प्रेशर बनाएं कंधे का और मुस्कुराते रहें। कितना बढ़िया से बगल में प्रभाव आ रहा है, बहुत बढ़िया। गर्दन को भी लेफ्ट साइड में मोड़ सकते हैं आप ऊपर की ओर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, जल्दी नहीं करेंगे। पुनः एक बार श्वास को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरकर लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुके। प्रयास पिछली बार से और बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा चहक, बहुत अच्छा प्रयास। आंखें मन, गर्दन को थोड़ा राइट साइड में घुमा सकते हैं। आंख बंद करके कोशिश कीजिए घुटना ना उठे राइट साइड से। जिनका पद्मासन लगाकर हो रहा है उनको तो बहुत ही बढ़िया प्रभाव आएगा जी। श्रीमान राजेश जी बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को साइड से तानते हुए नीचे ले लें और थोड़ा विश्राम ले लें। पांव को खोल दीजिए, पद्मासन खोलकर विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। मुस्कुराहट चेहरे पर जब विश्राम करें। चलिए जी बैलेंस बनाएंगे, दोनों पंजों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ अपने प्रणाम मुद्रा में लेकर हो सके तो घुटने मिला लें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पांव की उंगलियों पर, पंजों पर, एड़ी हवा में। कमर को यथासंभव सीधा रखने की कोशिश करें जी। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें और जो साधक साधिकाएं काफ़ी समय से कर रहे हैं आँख बंद करके करने का प्रयास करें। पूरी हमारी रक्त प्रणाली प्रभाव में आ रही है जी, एकाग्रता बढ़ रही है, फोकस बन रहा है जी हमारा, बहुत बढ़िया। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है, बार बार ऐसा संदेश दीजिए अपने आप को। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाइए, धीरे धीरे हाथ को नीचे कर लीजिए और अपने आसन पर हल्की हल्की जॉगिंग करना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे कितना बढ़िया मौसम में और एक साथ जब हम मिलकर साधना करते हैं अलग ही मजा आता है। खुश होकर देखिए, करिए करिए करिए, जैसे हम इस पार्क के चक्कर लगा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को इस प्रकार इतनी सुंदर साधना करते देखकर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, श्वास को सामान्य करें। प्रसन्नता, पीटी की एक्सरसाइज करेंगे
दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, लेकर आए भुजाओं को सामने, एक दो खींच के करना है जी, तीन चार, एक दो 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 तीन चार, रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथों को जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है, इस प्रकार दोनों हाथों को दाएं बाएं ऊपर नीचे करना शुरू करें। कोशिश करें दोनों कोहनियां सीधी रही रहे जब जाए, ढीला ढीला नहीं करना जी, थोड़ा खींच के करिए। साथ में गर्दन भी आप चाहो तो मोड़ सकते हैं। अपने भुजाओं को देखिए ऊपर जब जा रही हैं। बहुत बढ़िया जी ज्योतिका जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, करते जाइए करते जाइए। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बैलेंस बनाएंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे, बिल्कुल सामान्य हो जाइए। दोनों पांव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला, और अब अपने राइट पांव को मोड़िए घुटने से, और दोनों हाथों को कंधे की सीध में लेकर सामने, और इस प्रकार रुक जाएं। थाई को जैसे टेबल का टॉप होता है वैसी आपकी पैरेलल आ जाए पृथ्वी के। बहुत बढ़िया प्रज्ञा बेटी, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके रुकिए। ये देखिए ये स्थिति आपने बनानी है इस प्रकार से, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, रुकिए जी, रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य हो जाइए। आंखें बंद कर लें, विश्राम के वक्त तो आंखें अवश्य बंद हो, पुनः मन मनाएंगे, और अब की बार बिना बैलेंस बिगाड़े कोशिश जरूर करेंगे। उठाइए लेफ्ट पांव को, राइट पांव आपका जमा रहे, और दोनों भुजाएं सामने, पीछे नहीं झुकना जी, कोशिश करनी है शरीर बिल्कुल सीधा हो, कलाई भी सीधी हो जी, पंजा को तान के रखना है जी, रुकना है जी, पंजा नीचे तना हुआ, पंजे को नीचे तानना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, बड़ा सुंदर प्रयास चल रहा है जी सभी का, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। एक बार क्लैपिंग करेंगे, दोनों हाथ आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर जाएं, थोड़ा क्लैपिंग करिए बगैर कमर को झुकाए, कोहनियों को सीधा रखते हुए। आज हमारे क्लास 364 25 मार्च को हमने ये सुंदर साधना स्टार्ट की थी ऑनलाइन, परसों आप सबने जुड़ना है, समय से जुड़ना है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो स्पेशल प्रोग्राम जो है आपके सामने लेकर आएंगे, जैसे हमने 200वीं क्लास को सेलिब्रेट किया था उससे बढ़िया हमने सेलिब्रेशन करनी है। आ जाएंगे वापस, पांच बार उठक बैठक करेंगे, मुट्ठी बनाकर शुरू करेंगे, एक वापस, दो वापस, तीन वापस, चार वापस, पांच
रुकेंगे 5 सेकंड, गर्दन को सीधा करिए जी, एड़ी को बगैर उठाए, एड़ी नीचे आसन पर, गर्दन सीधी, वापस थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, थोड़ा हाथों को अपने थोड़ा सा झटक लीजिए और अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए। करिए करिए करिए, सभी करेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखिए चहक बेटी हमारी, केवल 10 साल की एज है इसकी, और कितनी बढ़िया इसकी साधना, और कराती भी बढ़िया है और करती भी बढ़िया है। तो आज हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं, अब 2 बार करेंगे सूर्य नमस्कार, 1 बार कराएगी चहक और 1 बार कराएगी प्रज्ञा। चलिए, वेरी गुड बेटा, थोड़ा जल्दी कराना आप, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रोकना आप, प्रज्ञा बेटी रोक कर कराएगी, ठीक है। करेंगे सूर्य नमस्कार, अपने आसन के पीछे वाले भाग पर खड़े हो जाएं, 1/3 भाग आगे, 2/3 भाग पीछे, अपनी एड़ियां मिली हुई और पंजों को रखें खुला हुआ, हाथों को रखेंगे शरीर के साथ, कमर एवं गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन, मेरे पश्चात बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, बाजू कान के साथ सटी रहे, कंधों का रुख पीछे की ओर, उंगलियां एवं अंगूठे मिले हुए, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे कमर से नीचे, माथे को रखेंगे घुटनों के नज़दीक से नज़दीक, ठोड़ी को रखेंगे कंठकूप में, कोशिश करेंगे कि आपकी 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। अब अपना हथेलियों को जमीन पे जमाते हुए अपना राइट पैर लेके आएंगे पीछे, अब अपना दूसरा पैर भी लेके जाएंगे पीछे, पर्वताकार की स्थिति, सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति, कोशिश करेंगे कि एड़ियां धरती को छू जाए, थोड़ी कंठकूप में, अब यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, शरीर को फट्टे की भांति कर देंगे सीधा, सबका बहुत ही अच्छा प्रयास। अब अपनी नाभि का संकोचन करते हुए आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में, सूर्य नमस्कार में आरामदायक स्थिति, धरती माता के सारे गुण हमारे अंदर समाते हुए, श्वास भरते हुए आ जाएंगे कोनियों को एकदम सीधा कर दें, पीछे से एड़ी एवं पंजे मिले रहें, मोना जी का बहुत ही अच्छा प्रयास, अब पीछे से अपने मध्य भाग को भी उठा लेंगे, कोशिश करेंगे कि एड़ियां धरती को छू जाएं, थोड़ी कंठकूप में, नर पैर जो पीछे गया था वही पैर को आगे लाएंगे, 15 उंगलियां एक लाइन में, पीछे वाले पैर का घुटना धरती को ना छुए, पंजा खड़ा हुआ,
अब अपने दूसरी पैर को भी लेके आएंगे आगे। कोशिश करेंगे कि आपका माथा आपके घुटनों से छू जाए, थोड़ी कंठकूप में। 20 उंगलियां एक लाइन में हमारी शैटिका नस प्रभाव में आती हुई। अब सांस भरते हुए बाजुओं को कान से सटाते हुए कमर को कर देंगे सीधा। कंधों का रुख पीछे की ओर, उंगली एवं अंगूठे मिले हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान का धन्यवाद करते हुए खड़े होकर करेंगे विश्राम। धन्यवाद चहक बेटी, बहुत ही बढ़िया से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया आपने इतनी छोटी उम्र में, और इतनी अच्छे ढंग से, बड़ी क्लैरिटी के साथ। और प्रज्ञा बेटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक बार सूर्य नमस्कार प्रज्ञा कराएगी रोकते हुए। पुनः एड़ियां मिला लें, पंजे खुले हुए दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे प्रणाम मुद्रा में, करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम मित्राय नमः। लेके जाएं दोनों हाथों को ऊपर, भुजाओं को कान से सटा दें, कंधे गर्दन का रुख थोड़ा पीछे की ओर, कमर से भी झुकेंगे थोड़ा पीछे। पांचों उंगलियां मिली हुई, सांस भरे, लंबाई दे पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुक जाएं। प्रयास करें उंगलियां हमारी लग जाए आसन पर। जिन साधकों की उंगलियां लग गई हैं, प्रयास करें आधी हथेली लगाने का। पेट को थोड़ा पिचकाएं अंदर की ओर और झुकने में सहायता मिलेगी। माथे को प्रयास करें घुटने से नज़दीक लेके जाने का। अब की बार लेके जाएंगे अपना बायां पांव पीछे से पीछे, पीछे से घुटना आसन से ऊपर, कमर थोड़ी नीचे, माथे का रुख आकाश की ओर। पूरी हथेली लगाने का प्रयास करें। हमारे पैनक्रियास खींचते हुए, लीवर दबता हुआ, लेके जाएं दूसरा पांव भी पीछे, एड़ियों को लगा दे आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। एड़िया लगाए आसन पर, पांचों उंगलियां मिली रहे हाथों की, अंगूठा अलग हो रहा है बार बार हमारी उंगलियों से। आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर फट्टे की तरह सीधा, पूरे हमारे शरीर का वजन हमारी हथेलियों पर, पंजों पर। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। हमारे 8 अंग शरीर के लगते हुए आसन पर, सहनशीलता का भाव आता हुआ। कोनियों का रुख आकाश की ओर, पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। आगे से अपनी गर्दन उठाएं और अब अपनी कोनियां भी कर देंगे एकदम सीधी, भुजंगासन। हमारी रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई, पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ। पीछे से एड़ियां मिलाकर रखें।
हमारे सर का पृष्ठ भाग अपने आप ही हमारी रीढ़ को लग जाए। बहुत अच्छे, रुकने का मन बनाएं, एड़ियां मिलाकर रखें, बिना घुटनों का सहारा लिए बीच से भी उठा दें धड़ को और पुनः आ जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। हमारा शरीर पर्वत की तरह मजबूत बनता हुआ। टुड्डी को कंठकूप में लगाने से हमारे थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई। बहुत अच्छे, काफी साधकों की एड़ियां लग गई हैं आसन पर। अब जिस प्रकार लेके गए थे उसी प्रकार अपना बायां पांव ले आए आगे से आगे। 15 उंगलियां एक लाइन में, पीछे से घुटना आसन से उठा रहे, कमर थोड़ी नीचे, माथा आकाश की ओर ले आए। दूसरा पांव भी आगे, नाभि को पिचकाएं, झुकने में सहायता मिलेगी। पहले से हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल होता हुआ। श्वास भरते हुए अपनी दोनों हाथों से आ जाएंगे ऊपर, कमर से झुके ऊपर, बुझाए कान से लगी हुई, कमर से थोड़ा झुके पीछे की ओर, आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन करे सूर्य भगवान का आह्वान, धन्यवाद। हाथ नीचे, शवासन में लेटकर करेंगे विश्राम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा, बहुत ही बढ़िया से सूर्य नमस्कार का अभ्यास, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करने वाली क्रिया, अपने आप में पूर्ण आसन, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें पूरे शरीर को, मुस्कुराते हुए मानसिक अवलोकन। आएंगे चेतन अवस्था में, यहीं से करेंगे नावासन। जबरदस्ती कोई ना करे, प्रयास सभी करें, दोनों भुजाओं को तानकर कान के साथ पीछे लेकर जाएं, पंजों को तानिए और श्वास भरते हुए दोनों पांव के पंजे हाथों की ओर आगे पीछे रोल करना शुरू करें। दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान से अलग हो नहीं। करेंगे जी, करिए करिए, सभी करिए। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास हो रहा है जी। प्रयास से ही फायदा होना है, घुटने दबा कर रखें जी, जब आगे झुकें श्वास के साथ भी जोड़िए। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाइए, वज्रासन में आ जाएंगे। हथेलियां घुटनों के ऊपर आ जाए, सामान्य श्वास,
सभी के चेहरे पर प्रसन्नता हो। आगे ना झुकें, कोशिश कीजिए कमर बिल्कुल सीधी हो। वज्रासन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठा कीजिए, पाचन आपका बढ़िया बनेगा, लंबी सैर के सारे लाभ आपको मिलेंगे। उष्टासन श्रीमान राजेश जी कराएंगे, बहुत ही बढ़िया कमर के लिए, थोड़ा रोक कर करेंगे सब लोग। धन्यवाद सर। करेंगे उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों समान दूरी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें, कोई भी क्रिया तनाव में ना करें। दोनों हाथों के अंगूठों को लेके जाएंगे रीढ़ के नीचे वाले छोर पर, चारों उंगलियों का रुख पेट की ओर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को करेंगे बिल्कुल नीचे वाले छोर से बेंड, बिल्कुल धीरे धीरे, प्रयास अवश्य करें, और अंगूठों से लगातार रीढ़ को दबाते रहें। जिन साधकों की कमर दोहरी हो गई है वो अपने हाथों की उंगली से पंजों को या तलवे को टच कर सकते हैं, उसका सहारा नहीं लेना। थोड़ा सा रुकेंगे, सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। रीढ़ का कोई भी रोग कैसे रह सकता है, इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से। पहले अपने दोनों हाथों के अंगूठों को लेके आएंगे रीढ़ पर, और बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, पुनः वज्रासन में विश्राम। अपने आप को नॉर्मल कर लें, इसका विपरीत एक आसन और कर लेते हैं। करेंगे सत्संग आसन भाग टू। तनाव में कोई भी क्रिया ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, खुश होकर के करें। आगे से दोनों घुटनों को खोल लें, दोनों हाथों को रखेंगे आसन पर, कमर गर्दन रखें सीधी, और दोनों हाथों को धीरे धीरे लेके जाएंगे आगे की ओर, और प्रयास करें कि आसन पर हमारी ठोड़ी या माथा लग जाए, लेकिन इस प्रयास में हमारे नितंब एड़ियों से ना उठें। प्रयास करें, प्रयास महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा रुकें, देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, शरीर लचीला बनता हुआ। थोड़ा सा रुकें, पूर्ण स्थिति में पहुंचकर रुकने से ही फायदा होगा। अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं, हमारे शरीर में बहुत क्षमता है। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति, देखने योग्य दृश्य है। जैसे आगे गए थे बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके आएंगे पीछे, और पुनः वज्रासन में विश्राम। दोनों घुटनों को भी मिला लें, प्रतिदिन वज्रासन में बैठने का प्रयास अवश्य करें। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन दाईं ओर।
शीतलासन दाईं ओर करने से हमें हाई बीपी में बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोनों आसन हमने किए, एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों आसन। उष्टासन में कमर पीछे की ओर झुकती है, शशंक आसन में कमर आगे की ओर झुकती है। नौका आसन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखें, दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप करके रखें, दोनों कोहनियां एक लाइन में आ जाएं, शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। पंजे लिटा लीजिए जी और मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से बिना घुटना मोड़े दोनों पांव उठाएं। पांव को खोलना नहीं है जी, जितनी आपसे आगे चेस्ट उठे कोशिश करें उतनी हमारी थाई उठे, पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर आ जाए, कोहनियों को नीचे ना आने दे जी, कोहनियों का प्रेशर ऊपर बनाना है आपने, हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, सर पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अब की बार कान के साथ आगे लेकर आएं, फिर से नौकासन की दूसरी स्थिति, दोनों थैलियां पृथ्वी की ओर बुझाएं, आगे ले आएं, बिल्कुल सीधी कर दें, शब्दों पर चलेंगे जी, पंजों को लिटा दें, कोहनियों को सीधा करें जी, बिल्कुल बुझाएं कान के साथ, श्वास भरते हुए आगे से दोनों भुजाएं उठाएं, गर्दन उठाएं, चेस्ट उठाएं, पीछे से पांव उठाएं, फिर से जैसे अभी हमने किया था वैसे ही कलाई सीधी, कलाई सीधी, कलाई नहीं मोड़नी। बहुत बढ़िया जी, ज्योतिका जी क्या बात है, भुजाएं बिल्कुल कान के साथ हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए प्रयास करिए जी, पांव को बगैर खोले करिए जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप चाहते हैं मोटापा कम हो तो करना ही पड़ेगा जी, करिए करिए। अब यहीं से नौका चलाएंगे, दोनों हाथ जैसे स्विमिंग की तरह करते हैं, हिचको ले लीजिए, करिए करिए करिए। एक बार पांव को, हाथों को बिल्कुल सीधा करना है, करते जाएं करते जाएं, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए करिए करिए। सुनीता जी बहुत अच्छा, करते जाइए करते जाइए। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेंगे पीठ के बल, सामान्य श्वास, एकदम अपने आप को सामान्य कर लें। इसी का विपरीत आसन करेंगे, हस्त पादोत्तान आसन करेंगे। जैसे नौकासन हुआ उसी प्रकार से पीठ के बल हमने नौका बनाएंगे, हस्त पादोत्तान आसन। मन मनाएं, मुस्कुराएं, आंखें बंद, हथेलियां पृथ्वी की ओर, शरीर के साथ भुजाएं, शब्दों पर चलेंगे, 30 सेकंड अवश्य रुकेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाएं, आगे से धड़ उठाएं, भुजाएं हथेलियां उठाएं, पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर, शुरू कर दें 30 सेकंड केवल। समय का ध्यान मैं रखूंगा, बहुत बढ़िया।
10 सेकंड हो गए हैं जी, बहुत बढ़िया। रुकना है, फायदा रुकने से ही होना है जी। 20 सेकंड हो गए, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, केवल 5 सेकंड और, तानिए पंजों को। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकना नहीं है जी, थोड़ा रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया, 30 सेकंड में ही पूरे पेट में हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है, पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ने लगता है और इस प्रकार से हमारा मोटापा भी कम होता है। इतना प्यारा मौसम है और खुले आसमान के नीचे हम मिलकर साधना कर रहे हैं। आइए फिर से एक बार मन बनाएं, इसी आसन को एक बार फिर से करें, अब की बार 35 से 40 सेकंड करें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन भी हमारे साथ देखिए करीब 60 साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार। मन बनाएं मुस्कुराते हुए, आगे से धड़, नीचे से पांव उठाएं, समय हो गया स्टार्ट आपका। अब कलाई सीधी, कलाई सीधी, आंखें बंद, ध्यान ईश्वर की ओर। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम कितने मुश्किल आसन कितनी सहजता से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, 25 सेकंड हो चुकी हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। केवल 10 सेकंड और रुकिए, 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें, पंजों को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ अपने क्लैंप करके गर्दन के पीछे लेकर जाएं, पंजों को ताने, फिर से पेट को कम करने की एक बहुत बढ़िया क्रिया। एक बार अपने राइट पांव को 90 डिग्री पर उठाएं, फिर नीचे लेकर आएं, बिना आसन को छुए एक बार लेफ्ट पांव को उठाएं। इस प्रकार से पांव को चलाना है आपने, लेफ्ट और राइट पांव को, एक बार नीचे एक बार दूसरा पांव ऊपर, जैसे कैंची चलाते हैं बिना घुटना मोड़े, और हो सके तो पांव को पृथ्वी पर टच नहीं करना। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंजे को तान कर करेंगे, घुटने को सीधा रखकर करेंगे। आ जाएंगे वापस आराम से, दोनों पांव नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। हाथों को भी आगे ले लें, मुस्कुराते रहें मुस्कुराते रहें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, दोनों पांव के घुटने एक साथ मोड़ें, दोनों एड़ियां शरीर के निकट। और अब अपने मध्य भाग को, अपने हिप्स को और कमर को ऊपर उठाएंगे, पंजों पर भार डालकर, कंधों पर भार डालकर, जैसे हम सेतु बंध आसन करते हैं। और अब अपने राइट पांव को ऊपर उठा देंगे 90 डिग्री पर, पूरे शरीर का वजन कंधे पर, लेफ्ट पांव के पंजे पर। करिए जी करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योतिका जी, अब तो सारे आसन आपके बहुत ही शानदार हो रहे हैं। रुकना है जी, पंजे तान कर। सुनीता जी, बहुत बढ़िया। मोना जी, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। करिए करिए करिए, कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं, एक बार थोड़ा सा सामान्य हो जाइए और एक बार फिर से अब की बार मन बनाएंगे, स्थिति लें,
पंजों पर वजन डालें और बीच से धड़ को उठाएं, धीरे धीरे उठाएं, कमर को उठाएं, चेस्ट को उठाएं और अब अपने लेफ्ट पांव को उठाएं आकाश की ओर, हथेली पृथ्वी पर, कलाई सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। पंजा तान कर करेंगे और बढ़िया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना बढ़िया लग रहा है जी सभी की स्थिति। आंख बंद करके असर के साथ जुड़िए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे। रिलैक्स, पांव को सीधा कर दें, सामान्य श्वास। एक अंतिम आसन करेंगे, मरकट आसन करेंगे। जल्दी से दोनों पांव को अपने शरीर के साथ लगा लें, दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला दें और श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, हथेली का रुख आकाश की ओर। सुनीता जी, हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए। पांच उंगलियां मिली हुई, आप घुटनों को राइट साइड में कीजिए जी। हाँ, गर्दन को लेफ्ट साइड में कीजिए। घुटने को दबाइए जी, दबाइए घुटने को। पीछे बाबूराम जी, घुटने को दबाइए नीचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। कमर की विशेष स्थिति बन रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, थोड़ा एड़ियों को चिपकाएं अपनी ओर और श्वास भरते हुए घुटने ले जाएं लेफ्ट साइड में और गर्दन लेकर जाएंगे राइट साइड में। वेरी गुड, वेरी गुड। कोहनियों को सीधा रखना है जी, भुजाएं ऐसा लगे जैसे दो आदमी हाथों को खींच रहे हों। दोनों चीजों का महत्व है जी, घुटने को दबाने का भी और भुजाओं को खींचने का भी। शरीर के सभी जोड़ प्रभाव में, कमर दर्द के लिए तो रामबाण फायदा, लेकिन तभी होगा जब प्रतिदिन जुड़ेंगे, विश्वास से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्थिति है सभी की। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, हाथों को आगे लेकर सब आसन, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप छोड़ दीजिए। दोनों हाथ अपने शरीर से थोड़ा हटाकर रखें और मुस्कुराते रहें। इतने बढ़िया आसन किए हमने, इतने खींच कर आसन किए और कितने टाइम से हम लगातार जुड़े हुए हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और परसों तो हमारी विशेष क्लास है। एक साल हमारा कंप्लीट होगा क्लास को, 25 मार्च से हमने स्टार्ट की थी ऑनलाइन क्लास। बार बार ईश्वर का, माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट, उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। आज हमारी 364 क्लास हो गई है जी। कल मेरे पास एक साधिका का मुंबई से मेरे पास मैसेज आया, भैरवी जी नाम है, और वो डे वन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार हमारी क्लास से जुड़ी हुई हैं, प्रतिदिन साधना कर रही हैं। कई लोगों को उन्होंने, साधक साधिकाओं को जोड़ा है, तो उन्होंने हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है और उन्होंने बोला कि 25 तारीख को अपनी सोसाइटी में
जैसे हम अपने यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वो भी पार्टी रख रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, योग की क्लास रख रही हैं, और जितने भी साधक साधिकाएं जोड़े हैं उन सब के साथ मिल करके हमारे साथ साधना करेंगी। तो देखिए इस प्रकार से कई हमारे साथ आर के पुरम में साधिका जुड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी वीडियो चलाकर डेमो देती हैं वो, और फिर उसके बाद 10 से 15 लोग उनके साथ साधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के एनकरेजिंग मैसेजेज आते हैं, पता लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए एक मस्ती भरी हंसी कराएंगे। हाँ भाई आप कराओ। ये देखिए हमारे बहुत ही रेगुलर साधक हैं और एक मस्ती भरी हंसी इनके साथ करेंगे। अर्पित जी दोनों आंखें बंद करेंगे, पेट में सांस भरते हुए और हाथों को ऊपर ले जाते हुए ठकाक दाग हंसी हरे हंसेंगे। सब खुद के हंसेंगे। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा। आप जोक सुनाओगे? अरे वाह, आओ ना। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जो स्विमिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्विमर। स्विमर बोलते हैं। और जो गाना गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंगर। और जो जोक सुनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जोकर। मैं आज दो जोक सुनाऊंगी। दो जोक सुनाएगी? टाइम कम है। जोर से सुना। एक कोरोना कहता है हमसे कि मैं चला नहीं गया, मेरी सिर्फ आंख लग गई थी। आई एम बैक। मैसेज दे रही है। और एक और जोक, एक टीचर होती है, वो एक बच्चे से पूछती है कि तुम्हारे इतने कम रिजल्ट आते हैं, तुम कभी बुक भी खोल के देखते हो? तो बच्चा कहता है, हाँ मैम, मैं तो पूरे दिन में से 10-12 बार खोल लेता हूँ बुक। तो टीचर कहती, बताओ कौन सी बुक खोलते हो तुम? तो बच्चा कहता, फेसबुक। थैंक यू। तो ये देखिए, ये हमारी चहक बेटी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीच बीच में बच्चों की क्लास में, तो इसका बड़ा योगदान चल रहा है प्रज्ञा के साथ, बाकी बच्चों के साथ। तो आप भी अपने बच्चों को हमारी क्लास से जोड़िए, बच्चों की क्लास से जोड़िए, जो आपके आसपास भारतीय योग संस्थान की क्लासें चलती हैं उनके साथ जोड़िए। तो आइए, समय पता ही नहीं चलता, कम में से बीत जाता है। आइए कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और प्राणायाम के लिए मैं चाहूँगा मोना जी आएँ और कुछ प्राणायाम हमारे को कराएं, साथ में थोड़ा ध्यान भी कराएं। सुखासन, वज्रासन या पद्मासन लगाएं, कमर और रीढ़ सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे सुंदर प्राणायाम का अभ्यास, लंबे गहरे श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं, नाभि का संकोचन, धीरे धीरे श्वास भरें, पूरा श्वास भरने पर थोड़ा रुकें, दोहराते जाएं आवृत्तियों को। अब
अपने आते जाते श्वासों को देखते जाएं। ध्यान की ओर बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है गहरे लंबे श्वास। करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें, कमर और रीढ़ सीधी। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें। जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए तब धीरे धीरे श्वास भरें। मूल बंद लगाएं और पूरा श्वास एक बार फिर से बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर करके नाभि को अंदर बाहर करें। अपनी नाभि को इतना सिकोड़ें कि आपकी नाभि का मूल रीढ़ मूल से लग जाए। छोटी छोटी आवृत्तियां दोहराते जाएं। 3 से 4 आवृत्तियां दोहराने के बाद सामान्य हो जाएं। फिर से अभ्यास करें। आपका पाचन अच्छा होता हुआ, आंतों में जमा मल अपना स्थान छोड़ता हुआ, करते जाएं। रीढ़ सीधी रखें। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। सामान्य श्वास, बंद आँखों में किए गए प्राणायाम का अभ्यास, मानसिक अवलोकन करें। करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं।
बहुत ही सरल प्राणायाम। कोई भी इसका अभ्यास आसानी से कर सकता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता हुआ पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते जाएं। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करें। बंद आँखों में मानसिक अवलोकन। करेंगे कुछ पल उस परम पिता का ध्यान। करेंगे ओम की ध्वनि। कमर और रीढ़ सीधी रखें। अपने हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। लंबा गहरा श्वास भरें।
शांत ओम की लघु ध्वनियों को अपने अंदर महसूस करते जाएं। जुड़ जाएं पूरी तरह से अपने अंदर। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें। करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। ओ कुछ पल बैठे रहें शांत अवस्था में, अपने अंतर्मन में, अपने बाहर शांति की अनुभूति सुंदर हवा का स्पर्श महसूस करें। जब भी आप सुबह उठते हैं,
सर्वप्रथम उस परम पिता को धन्यवाद करें। अब जिन साधक और साधिकाओं के पास समय हो वो इस अवस्था में बैठें और बाकी सब अपने दोनों हाथों का घर्षण करें, आध्यात्मिक पैदा करें, अपने मुखमंडल पर धारण करें। परमपिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी साधक और साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर का और चहक बेटी का विशेष धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम ध्यान का अभ्यास। एक बार फिर से आप सभी से प्रार्थना, परसों हमारा आप सबके सहयोग से एक साल कंप्लीट हो रहा है। विशेष तैयारियां हमने की है, हमारे युवा साथी जितने भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं सबका सहयोग हमें मिल रहा है, तो आप सब लोग भी जुड़े रहें, ज़रूर जुड़ें। 6:45 से 7:15 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा हमारा, 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी उस दिन थर्सडे को 25 तारीख को, तो पूरे समय तक जुड़ें। और अगर आपके कोई सुझाव हो जो यहाँ पर आकर के जुड़ना चाहें हमारे साथ वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा में, तो उनका सभी का स्वागत है, यहाँ पर भी आप जुड़िए। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं, कल हमारी 365वीं क्लास है और परसों हमारा एक साल 25 तारीख को शुरुआत है, 25 तारीख को हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।